अरे भास्कर के मैं ऊपर पास के लिख रहा हूं दिल्ली के पास। हां मैं बाड़ने पटो दिल्ली के पास भास्कर में ये लिख रहा हूं कह लूंगा ये घर को काम नहीं करे नहीं तो मुंगो टॉप के चार सार दे पियो पियो आप भी काम लाग जिए एडमस। हां बताओगे तने? हां ए बात बता थे जिद करो नहीं ए बात बता आजकल सबसे ज्यादा लुगाइयां की चल रही है। अब सुन भामा सा बड़े डो लुगाइयां को जन आधार लुगाइयां को ए लुगाइये तो फोड़ा गल है देख लियो। आ फिर क्या गे लुगाइयां नाम पर के साथ रह जा रही है तने के चल रही है आ के चीज है आ तो लाइट है रोशनी बिया की है रोशनी रोशनी आई तेरे नाम पर है मैं हुआ है हां तो फिर तू जीत गई। मैं जीत गई कोनी मैं रोशनी हूं जीतूंगी ये की। हां तू खड़े अब तू रोशनी है पर ये बात होता हां ट्रांसमीटर कौन हुए ट्रांसमीटर रोशनी छोटे तो दावे नहीं तो रोशनी कूट वाला की पड़ी रे ये बता बता कौन ट्रांसमीटर भाई ने क्यों बेनो फिर बताओ तो पेच कस ट्रांसमीटर के मारे बाहर ले पास पूरी कोनी में सही कठी रखे बटे ट्रांसमीटर। अब देख भी कोठी के अंदर रोशनी कोनी आ तो पिंग मऊ आ रही है तो आ लाइट कोनी की आ लो पिंग मऊ आ रही है तो नाम पर पूरी कागला भी करे बाहर ले ए सही की करे भले पर पहल पोत भी में आगे पेच कस मारे जीत गयो के मैं जीत गयो। अब सुनो रेल गाड़ी के नाम पर कितनी लंबी है लोहा पत काम नहीं छात्र मुश्किल करो ना ये बात होता रोना मेरे से नहीं क्या ओए बस बस ये पटे ओ मैं रोन लाजू ने कच्ची तेरी कोच मुवानी मेरे के मेरे शनिवार को है शनिवार को तुम है हाँ रे मुझना जना इधर तेरे पर सनीसर चट्टी है हाँ करड़ा वाला हूँ जन्म में तेरा मैं तो करड़ा ही वाला सलमिया जब देख ले ऐ उड़ा घगरी यार उंगली सलवार पे रहा ये तो कोई काम हुए की पे रहेगी अच्छा अच्छा वाला फिल्म लेडो तो बढ़िया ग्रामा हो तो लेवा रे ये बार कोई डे मेरो फिल्म बताओ तने हां मेरो बहुत बढ़िया वाला मेरो मिल रहे है मेरो बढ़िया बार को तेरो बढ़िया के बार को भी मेरो तीत बार को क्या को ऐसे के मैं तीत बार को क्या को अरे तीत बार को तने हां तो तीत बार की छुट्टी हो ली है पगल है दीतवार की छुट्टी के चीज की होए क्या की होए स्कूल आई है स्कूल का सारा ही बंद होए भाई सरकारी कर्मचारी की होए अच्छा मरने जने की छुट्टी कोनी होए तो भाई मैं तो बोलो आम जी हूं मन तो ठा कोनी होई आम आप मुझे जानते नहीं है क्या ओ जानू तो कौन है मन तनी नहीं जानू का मैं इटे उठ के मारे अरे मूर्ख जानू मेरी बात सुनो मेरे पापा जी हो पिता जी हो मैं लंकापति निवासी हूँ अरे महाराज धनुष को तोड़िए और सीता से नाता जोड़िए भाई धनुष तो नहीं तोड़ अरे तुम्हें पता होना चाहिए मैं कैसा हूँ बलशाली योद्धा मेरे भुजा 20 हाँ, 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 हाँ। और समुद्र जान जल के समान बल उमली तुरंग है छुटल लहर जैसे उठता पुकार बान दर के डबौजा के सुनते मैं बलदान बदान सुत बाणा सुरम मना छत्री शिवा सुचा को सोहित कर मोर प्रणाम सदा करतार रूप तुम मिथिला दीपति ज्ञान लखन है तरण भूमि को हमो कीनो प्रणाम ये धनुष मेरे गुरुदेव शंकर का है इसी में नमन करता हूँ। आप इस धनुष को नमन करते हैं मैं इस धनुष का भंजन करने के लिए आया हूँ। आप कौन है श्रीमान आप मुझे जानते नहीं है मैं नहीं जानता आपको मैंने वस्त्र पहने शस्त्र सजे रत्नों से मैं जड़ा हुआ गढ़ सोने की लंक मेरे तो गर्दे सुमंदर अरे हुआ अरे मैं पेश किसी के जाने नानू 14 विद्या पढ़ा हुआ कहते हैं मुखराम कवि यश रावण का
बड़ा हुआ। ओहो, तो आप है वो श्रीमान लंकापति रावण। हाँ मैं लंकापति रावण। गुरुदेव से सुना था तुम्हारा एक गुरु भाई है जिसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक है, देखा पाया वैसा ही। अनासर आप यहाँ पर, जहाँ मैं इस धनुष को तोड़ने के लिए सीता संगनाता तोड़ने के लिए। अच्छा, धनुष तोड़ने के लिए आए हो। हाँ। और मुझे पूछो मैं किस लिए आया यहाँ पर। आप किस लिए आए हैं? मैं इस सौम्र की शोभा बढ़ाने के लिए तुम जैसे राजाओं की बेइज्जती देखने के लिए। जोश का बहुरा कहीं के, आप जानते हैं श्रीमान, तुम्हें पता होना चाहिए मैं ज्यादा आपके बकवास नहीं सुनना चाहता। मैं धनुष को तोड़ूंगा, बजने दो बाजे। नहीं श्रीमान, पहले आप हमारा पीछे सुनिए। तख्त है सोनित नगर जहाँ देवों की छाया, पिता मेरे बलिदत्त है जो बैलोचन का छाया, श्री श्री 108 पताल निवासी बलि का पुत्र बाणासुर कहलाया। तो बाणासुर है, तुम और हम एक ही गुरु के शिष्य हैं, इसलिए मैंने भी आपका नाम सुन रखा था कि बाणासुर ऐसा बलशाली योद्धा है और तुम और हम एक ही हैं। कारण क्या है? धनुष के नीचे हाथ दब रहा है, परंतु इस स्वंबर में सहायता करने वाला बाणासुर है और वो हमारा एक ही गुरु के शिष्य हैं। बाणासुर इधर आओ। क्यों, क्या आपत्ति आ गई? कुछ मदद करो भाई मेरी। ऐसी बात है, कुछ दूर तुम आओ, कुछ दूर मैं आता। अरे मैं नहीं आ सकता इस समय। क्यों नहीं आ सकते? मेरा धनुष के नीचे हाथ दब रहा है। क्या, धनुष के नीचे? जरा जोर से बोलिए। धनुष के नीचे हाथ दब गया मेरा, तुम कुछ मदद करो भाई। अरे अभी तो कह रहा था मैंने कैलाश पर्वत को उठाया, यम कुबेर वनवाला से है, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इस छोटे से धनुष के नीचे हाथ लंगे डूबूर चलूर पानी में। आकाशवान भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ, कुछ मदद करनी है तो जाओ। रामचंद्र है पिता मेरे, सीता मात समान, है पिता ब्रह्मदेव। इधर आओ, धनुष के नीचे हाथ दब रहा है, कुछ मदद करो। क्या अरे बनी बनाई खोपड़ी तो पा रही है तुम, और मुंशे की खोपड़ी घड़ रहा है। मैं आ जाऊंगा तब तुम्हारी खोपड़ी को फोड़ डालूंगा। पिता संकेत इधर आओ, मेरा धनुष के नीचे हाथ दब रहा है सांबर में, कुछ मदद करो। क्या हो गया तुम्हारे? जब मेरा हाथ निकल गया धनुष के नीचे से, तुम्हारी भंग वाली कुंडी को मैं फोड़ डालूंगा। गौरव शंकर भगवान ने की थे एक रोज का जिक्र है, मंदोदरी ने गुद्दी के पीछे तिलक किया मेरे से भयभीत होकर। मैंने पूछा प्रिय ये तिलक किसका कर रही हो? उसने कहा कि स्वामी मैं तिलक उसी का कर रही हूं कि जिससे तुम्हारे पे कोई आपत्ति आ जाए उस तिलक वाले को सिमर लेना, आपकी आपत्ति है वो दूर हो जाएगी। मैं अभी अभी उस तिलक वाले को सिमर रहा हूं। बोलो शंकर भगवान ने की जय। बजने दो बाजे। नहीं होती आसरा छोड़ प्रदान करे, दुख दिया हमें यह दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह है लिखा नहीं विधाता ने। ए राजा के लड़को अपनी अपनी रानियों की गोद में लेट जाओ जाओ। बस 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 बस
धनुष को तोड़िए और तारिया सीता शाबाश शाबाश तालियां बोलो तक सीता की जय।